एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे ओवरव्यू ऑफ माय फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए और एंजॉय कीजिए। ये है मेरा फर्स्ट में सेनेरेरिया। ये सेनेरेरिया बहुत सारे कलर में आता है। ये मेरा जेड प्लांट है, मनी प्लांट, प्रोटोन। प्रोटोन में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखिए मेरा मिनी पैंसी, बहुत प्यारा है। मिनी पैंसी बहुत सारे कलर में आते हैं और ये एक रिस्पॉन्डिंग फ्लावर है, यानी कि ऐसा इनके पास में जाओ तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये हमें ही देख रहे हैं, हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये है नेस्ट्रेनियम। नेस्ट्रेनियम भी दो तीन कलर में आता है दोस्तों। ये येलो है, एक ऑरेंज में आता है और एक बिल्कुल ब्राइट येलो आता है इसमें। नेक्स्ट वन इज़ आइस प्लांट। अभी इसके फ्लावर क्लोज हो चुके हैं, अब जैसे ही धूप निकलेगी तो ये फिर से खिल जाएंगे। ये केल का है। केल भी अपने आप में किसी फ्लावर से कम नहीं है। दिस इज़ पिटूनिया। पिटूनिया भी बहुत अच्छे फ्लावर कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट वन अगेन पिटूनिया। ये स्वीट अलाइसन। पेंजी अब थोड़ा सा फेड होने लगा है, यानी कि लगता है इसका लाइफ सर्कल कंप्लीट हो चुका है। ये अजरेलिया देखिए, इसका लीफ का पैटर्न देखिए और इसके फ्लावर बहुत प्रिटी, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है। ये भी बहुत सारे कलर में आते हैं और इस तरह के स्टॉक्स इसमें से निकलते हैं। जब फ्लावर आपके फेड हो जाए तो स्टॉक को कट कर दीजिए यहाँ से, तो नए स्टॉक इसमें से निकलते रहेंगे। दिस वन इज़ प्राइम रोज़। ये प्राइम रोज़ है दोस्तों, इसके भी फ्लावर जो फेड हो जाए उनको तोड़ दीजिए इस तरीके से, ताकि इसमें से नई बर्ड्स निकल सके। बहुत प्यारे फ्लावर होते हैं ये भी और बहुत सारे कलर में आते हैं। ये अगेन पेंजी आ गया हमारा, मिनी पेंजी। ये रेनेनकुलस। रेनेनकुलस में भी देखिए फ्लावर स्टार्टिंग में बहुत बड़े फ्लावर इसमें से निकले थे, लेकिन अभी जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है तो फ्लावर का साइज थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन बर्ड बहुत सारी निकल रही है इसमें। ये इधर है मेरा कैलेंचे। ये देसी वाली वेराइटी है मेरी। और इधर एक ये हाईब्रिड है, ये देख सकते हैं, ये हाईब्रिड वेराइटी है। इसमें भी बहुत प्यारे फ्लावर आते हैं। ये मेरा गुलदावरी का है, देखिए कितना हेल्दी प्लांट है अभी भी। और इसके फ्लावर देखिए, फ्लावर का साइज देख सकते हैं आप, ये हनीकॉम वैरायटी है। नेक्स्ट वन इज़ येलो रोज़। ये देख सकते हो आप कितने बिग साइज़ के रोज़ और न्यू स्प्राउटिंग देखिए आप, नई नई जो कोपले इसमें से निकल रही है। और ये पोट के अंदर मेरे फ्लावर लगे हुए हैं। ये प्लांट वेरी प्रिटी, कितना प्यारा कलर है। ये है सिल्वेसिया। सिल्वेसिया में भी सेम कंडीशन है दोस्तों, जैसे इसकी ये फ्लावरिंग स्टिक फेड होती है, इसको कट कर दीजिए तो नीचे से नई फ्लावरिंग स्टिक इसमें से प्रोड्यूस होगी। दिस वन इज़ कश्मीरी रोज़। फ्लावर में तो यही है फ्रेंड्स कि जो भी डेड ब्रांच आपको दिखे या फ्लावर खिलने के बाद जब फेड हो जाए तुरंत उसको कट कर दीजिए, ताकि वहाँ से नई नई स्प्राउट निकल सके, नई टहनियाँ आ सके और उसमें नए फ्लावर बन सके। ये देखिए डाइंथस का। सभी फ्लावरिंग प्लांट में यही कंडीशन होती है कि अगर डेड फ्लावर को आप नहीं हटाएंगे तो आगे की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, रुक जाती है। तो इस तरीके से इनके डेड फ्लावर को आप हटाते रहिए। ये मेरा स्टॉक फ्लावर। इसके भी दो तीन कलर मेरे पास है। ये वाइट है, ये पिंक है। ये मेरे मोगरा के प्लांट, इसकी कटिंग कर दी थी मैंने विंटर आने से पहले ही, नवंबर में बिल्कुल इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। और अब देखिए इसमें कितनी प्यारी न्यू स्प्राउटिंग आ रही है और इसके बाद इसमें पूरा गर्मी मुझे फ्लावर देगा। और ये देख सकते हैं आप मेरे बोटल ब्रश लटका हुआ, एकदम बुशी प्लांट। और ये पूरा अभी रेड रेड फ्लावर से भर जाएगा और पैरेट और जो बर्ड्स है इसके फ्लावर स्टिक को कट करके ले जाते हैं और उनसे जूस निकाल निकाल के पीते रहते हैं। अगेन माई रोज़ प्लांट, इंग्लिश रोज़ है। ये देखिए इंग्लिश रोज़ की कटिंग भी मैंने लगाई है, कट करने के बाद कट करके मैंने ये तीन इसकी कलम लगाई है और तीनों में देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है। दिस इज़ माय पिंक रोज़। ये देसी रोज़ है मेरा, अभी ये कैलेंडुला के अंदर थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है, मुझे रिजल्ट देगा आने वाली गर्मियों में। ये डॉग फ्लावर, इसको मैंने कट कर दिया था, एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है इसमें और देखिए फिर से इसमें नई नई बर्ड बनने लगी है। और ये है मेरे कैलेंडुला, आप देख सकते हो कितने प्रिटी फ्लावर, इसमें पूरा गार्डन मेरा येलो हो जाता है, अभी दो तीन कलर में खिलता है। ये वाइट लिली है, आप देख सकते हो इसमें भी कितनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है और पूरा पोलिनेटर की तो यहाँ पार्टी चलती रहती है दिन भर। बहुत सारे हनी भी है, भंवरे है, बटरफ्लाई बहुत सारे आते रहते हैं दिन भर इनके ऊपर। बहुत ही प्रीटी प्लांट होता है ये भी, एक बाउंड्री के लिए, मतलब आपके लॉन के चारों तरफ आप इससे बाउंड्री बना सकते हो। और पूरा ब्लू, वायलेट ब्लू फ्लावर देखिए कितनी प्यारी इसमें स्टिक निकलती है। ये है मेरा वाइट पिटूनिया। इधर आप देख सकते हो ये मेरा
येलो बेल है, बहुत बड़ा प्लांट हो गया। हर साल मैं इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ और फिर भी इसमें इतने अच्छे से इसमें स्प्राउट होता है और नई नई कोपले आती है। और ये देखिए, फ्लावर से पूरा भरा रहता है। हमिंग बर्ड का फेवरेट है ये। दिन भर इसके अंदर वो छोटे छोटे हमिंग बर्ड इसमें से इसका जूस पीती रहती है। बहुत मस्ती करते हैं सारे बर्ड्स मेरे गार्डन में। बैगुन बेल, ये देखिए बैगुन बेल मेरे पास तीन चार कलर का, और मैंने इसका अपनी बाउंड्री के ऊपर लगा रखा है। बहुत अच्छे से इसमें न्यू स्प्राउटिंग हो रही है। ये प्लांट है दोस्तों, अगर इसका आपको नाम पता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसमें फुटाव आ गया है, ये पिटूनिया है पर्पल वाला, और ये देखिए शेडेड वाला। दोस्तों ये था मेरे गार्डन के फ्लावरिंग प्लांट का ओवरव्यू। कैसे लगे आपको ये फ्लावर और मेरा गार्डन, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।